प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 9:45 बजे तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में होंगे, जहां 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। थूथुकुड़ी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बीओ चिदंबरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटर वेस्ट जहाज का शुभारंभ करेंगे। लगभग 1,477 करोड़ रुपए की रेल और 4,586 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मंगलवार को उन्होंने तिरुपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। तमिलनाडु हमेशा बीजेपी के दिल में रहा है। जिन्होंने तमिलनाडु को लूटा, वो लोग बीजेपी की बढ़ती ताकत से घबराए हुए हैं। मोदी आपकी गारंटी के लिए आपके साथ खड़ा है। पारंपरिक पोशाक में प्रधानमंत्री मंगलवार शाम मंदिर पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। मीनाक्षी अम्मन मंदिर पहुंचे पीएम मोदी भक्ति भाव में लीन दिखे। मंदिर में माता पार्वती अपने मीनाक्षी स्वरूप में विराजमान हैं। पीएम मोदी ने उनकी पूजा की, मंदिर की परिक्रमा की। पुजारी और मंदिर ट्रस्ट की ओर से पीएम का स्वागत और सम्मान किया गया। पूजा करने के बाद जब पीएम मोदी वापस निकले तो उन्हें देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उनके काफिले पर पुष्प वर्षा की गई। पीएम मोदी ने सभी लोगों का अभिवादन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री पलदम में जर्मन सिंगर कैसेंड्रा से मिले और भजन सुना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।